सब्सक्राइब कीजिए लेडीज दुनिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर सिक्स्थ वीक के प्रेगनेंसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। आपके बेबी अभी ब्लैक करंट की साइज़ के है और वो 15 मिलीमीटर के लॉन्ग में है और इसके ब्रेन और हेड फॉर्म होने वाले है। किडनी, लीवर और लंग्स फॉर्म हो चुके हैं ऑलरेडी और वो शेप ले रहे हैं अभी। एम्ब्रियो अभी 0.25 इंचेस में की लेंथ में है और सर के ऊपर दो ब्लैक स्पॉट्स हुए रहते हैं, वो बाद में आइज़ बन के रेडी हो जाते हैं। और आपके नोज़, ईयर्स और जॉज शेप ले रहे हैं बेबी के। हैंड एंड लेग्स वो भी बन के रेडी हो रहा है और अर्ली स्टेज में डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हो रहे हैं और ये सब आप ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड के अंदर बेबी के या फिर फीटस के आप अच्छी तरीके से इसको डिटेक्ट करके देख सकते हैं। अभी हम आपके बारे में बात करेंगे, यानी कि मदर प्रेग्नेंट वुमन के बारे में। आपको भी टायर्ड बहुत हो सकता है और एडजस्ट करने, हार्मोनल चेंजेस बहुत हो रहा है तो फिर एडजस्ट करने में टाइम लगता है। और नोसिया भी बहुत हो सकता है, यानी कि ओमिटिंग आना या फिर ओमिटिंग सेंसेशन। आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन भी हो सकता है और ये फर्स्ट सिम्टम है प्रेगनेंसी के, तो फिर ये भी हो सकता है। और ब्लोटिंग, स्टमक, गैस ये भी हो सकता है, तो फिर अच्छे वाली और हेल्दी फूड खाए। और मूड स्विंग्स भी हो सकता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। मम्मीज़ के लिए टिप्स ये है कि आप अच्छी वाली और हेल्दी फूड खाए जो कि आसानी से आपको डाइजेशन हो सके। और बीच बीच में स्नैक्स खाते रहिए, यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते रहिए। और पानी और जूस की सेवन ज़्यादा करें और रिच फाइबर फूड्स खाए, यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन से दूर हो सकते हैं आप। और आपको एक अच्छी वाली ट्रिक दे देती हूँ मूड स्विंग से बचने के लिए। अच्छी तरीके से रेस्ट कीजिए और हेल्दी मील्स खाए तो ये थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है। वार्म प्लेसेस में बहुत ज़्यादा तक देर तक रुकने नहीं चाहिए, यानी कि आपको नोसिया की फीलिंग हो सकती है तो फिर अच्छी वाली फ्रेश हवा खाते रहिए। और आप फॉलिक एसिड और कैल्शियम के टैबलेट्स ज़रूर लीजिए और डॉक्टर की अनुमति से ही लीजिए, ये बहुत हेल्पफुल रहता है बेबी के लिए और आपके लिए। तो फिर आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस। तो फिर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऐसे ही प्रेगनेंसी के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।